तो अपना माइक सब लोग बंद करके रखेंगे और जब मैं कोई सवाल पूछूंगी उस वक्त एक एक करके जवाब देना है, सब एक साथ जवाब नहीं देंगे, ठीक है? हमको एक दूसरे का सम्मान करना है, रिस्पेक्ट करना है, ओके? पहले तो मैं चाहती हूँ, ये पूछना चाहती हूँ आप लोग से कि आप लोग सब ठीक है? आपकी पढ़ाई बिना रुकावट हो रही है बच्चों? सुप्रभात बच्चों, ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ओके। अच्छा बच्चों, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। मुझे ये बताओ कि आप अपने परिवार में सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हो? मम्मी, मम्मी पापा को, ओके। अच्छा, जो जो बच्चे मम्मी से ज्यादा प्यार करते हैं, मम्मी से क्यों ज्यादा प्यार करते हो आप लोग? आपको मम्मी क्यों पसंद है? क्यों पसंद है? माइक ऑफ कर, ऑन करके आप बता सकते हैं। आपको आपकी मम्मी क्यों पसंद है? इसीलिए क्योंकि मम्मी और पापा हमको खाना खिलाते, पढ़ाई करवाते, इसीलिए हेल्प करते हैं, इसीलिए। अच्छा, मम्मी आपको इसलिए पसंद है क्योंकि मम्मी आपके लिए सब कुछ करती है। दिन भर सिर्फ मम्मी आपके पीछे ही परेशान रहती है, आपके पीछे ही लगी रहती है, मम्मी को सिर्फ आपकी चिंता रहती है, ठीक है? और पापा क्यों पसंद है? जिसको जिसको पापा पसंद है, पापा क्यों पसंद है? मुझे मॉम एंड डैड दोनों पसंद। बताओ बच्चों, वेरी गुड, मम्मी पापा दोनों पसंद है क्योंकि मम्मी का भी अपना रोल होता है प्ले करने का और पापा का भी अपना रोल होता है, लेकिन हम क्योंकि मम्मी हमारे साथ ज्यादा टाइम घर में रहती है, इसके लिए हमको मम्मी से ज्यादा जुड़ा हुआ लगता है, हम मम्मी से सब कुछ शेयर करते हैं। अच्छा बच्चों, ये बताओ मुझे, रात को सुलाने के लिए जो गाना गाया जाता है, मम्मी जब हम छोटे होते हैं तो मम्मी हमें सुलाने के लिए गाना गाती है, किसी को पता है उस गाने को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उस गाने को? लोरिया। वेरी गुड वेरी गुड, उसे हम लोरी बोलते हैं। जो मम्मी हमें रात को सुलाने के लिए जो गाना गाती है उसे हम लोरी बोलते हैं। वेरी गुड, तो आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक में से एक लोरी पढ़ेंगे, ओके? वो लोरी है सोई मेरी चोनारे, ओके? एंड आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू आंसर, सब लोग अच्छे से, मतलब एक जन ने अगर माइक अनम्यूट किया है तो उस वक्त हम एक ही सुनेंगे, फिर चाहिए तो दूसरे जन को अनम्यूट करके वो जवाब देगा, ठीक है? बच्चों, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस। ओके, अभी पहले तो मेरा नाम हेमलता दुबे है, मैं MPS गोरेगांव ईस्ट की टीचर हूँ, ठीक है? और आज हम सोई मेरी चोनारे कविता पढ़ने वाले हैं। यस, सोई मेरी चोनारे। अब बच्चों, पहले तो हम कवि देखेंगे, कवि का परिचय देखेंगे। हमारे इस कविता के कवि है डॉक्टर श्री प्रसाद। कौन है? डॉक्टर श्री प्रसाद। हाँ, इनका जन्म कभी हुआ 5 जनवरी 1932 में। इनका जन्म 5 जनवरी 1932 में पारना आगरा में हुआ, और आगरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है? इनका जन्म 5 जनवरी 1932 में पारना आगरा में उत्तर प्रदेश में हुआ। और इनकी रचनाएं कौन सी है? इनकी रचनाएं कौन सी है? जब बच्चों मैं सवाल पूछूं तब आप जवाब देना, नहीं तो आपका माइक उसको बंद करके रखिए। और कवि डॉक्टर श्री प्रसाद की कुछ और रचनाएं भी है, कुछ और कविताएं भी उन्होंने लिखी है, जैसे वेरी गुड, खिड़की से सूरज है, आरी है, कोयल है, गुड़िया की शादी है, ये सब। अब इस कविता में
कवि ने हमको माँ और बच्चे के बीच में जो प्रेम होता है, माँ कितने प्यार से अपने बच्चे को पालती है, उसके बारे में कवि ने हमको इस कविता के द्वारा बताने की कोशिश की है। अच्छा बच्चों, सोचो, हम हमेशा सुनते रहते हैं चंदा मामा चंदा मामा चंदा मामा। अगर सोचो हमारे मामा का घर चांद पे होता तो कैसा होता, कैसा लगता आपको? अब इस पार्ट में कवि ने हमको काल्पनिक दुनिया, इमेजिनरी वर्ल्ड में ले जाने की कोशिश की है। तो इमेजिन करो, कल्पना करो कि अगर हमारा घर चांद पे होता तो कैसा होता, मतलब मामा का घर अगर हम चांद पे जा पाते तो कैसा लगता, थोड़ा कल्पना करके सोचो। अगर हम चांद पे जा पाते छुट्टियों में मामा के घर पे तो कैसा लगता? हाँ, अच्छा लगता, अच्छा लगता। हम बादलों के बीच लुका छुपी खेलते, हम चांद तारे को नजदीक से देख सकते थे। जैसे धरती पर इतना प्रदूषण है, गाड़ियों का, फिर अलग अलग स्मोक का धुआं, इतना प्रदूषण है, चांद पे प्रदूषण नहीं होता, प्रदूषण रहित रहता, हम एक ग्रह से दूसरे ग्रह पे जा पाते। चांद सितारे रात में देखने में कितने अच्छे लगते हैं, हम उन्हें नजदीक से देख पाते, हम आसमान की खूब सैर कर पाते, है ना? देख के, सुन के ही कितना अच्छा लगता है कि अगर हमारे मामा का घर दूसरे ग्रह पे होता तो हमें कितना अच्छा लगता, कितना मजा आता, है ना? अब चलिए हम देखते हैं कवि हमें कैसे माँ की ममता के बारे में हमें बताता है, और हम कल्पना करते हैं कि ये हमारी माँ है, हमारी माँ हमारे लिए बोल रही है और हम उनके छोना है। ओके, पहले हम जो कविता है वो पढ़ेंगे। मेरा गंद खिलौना रे, सोई मेरी चना रे, झूला झूले सोने का, झूले रेशम की डोरी, मीठे सपनों में खोई, सुन सुन परियों की लोरी। मेरा दीद दिटोना रे, सोई मेरी छोना रे। चार सितारे जाग रहे हैं, नाच रही है चांदनिया, फूल खिले हैं चांदे के, फूली मेरी आंगनिया। मेरा दीद दिटोना रे, सोई मेरी छोना रे। मेरा सुख अनहोना रे, सोई मेरी छोना रे, गीत सुनाऊं सोए तू, तू सोए और गाऊं मैं। मेरा धीट धिटौना रे, सोई मेरी छोना रे, जागे खेले रूठे तू, हस हस तुझे मनाऊं मैं, खिलौनों की दुनिया में सैर तुझे करवाऊं मैं। मेरी प्यारी सलोनी रे, सोई मेरी छोना रे। अब हम एक एक परिच्छेद लेंगे और मैं जो आपको उसका शब्दार्थ बता रही हूँ या जो मीनिंग्स बता रही हूँ वो आप कहीं पे लिख लीजिए। फिर रिकैप करते वक्त अगर आपको कोई शब्द का अर्थ नहीं समझ में आया है तो बच्चों आप मुझे पूछना, ठीक है? मेरा गंद खिलौना रे, अब जैसे हमारे पास गुड़िया और गुड्डा खेलने के लिए होते हैं, वैसे ही माँ का खिलौना कौन है? हम उनके खिलौने हैं। झूला झूले सोने का, अब देखो जो झूला है वो किसका है? सोने का बना हुआ है। झूले रेशम की डोरी, अब जो झूले में डोरी लगी है वो किस चीज की बनी हुई है? रेशम की। मीठी सपनों में खोई, सुन सुन परियों की लोरी। अब इधर मेरी छोना को लोरी कौन सुना रहा है? परियां सुना रही है, तो सपनों में खो गई है और उसे लोरी जो है वो परिया सुना रही है। मेरा धीट धिटौना रे, सोई मेरी सोना रे। अब धीट धीट मतलब मेरा नन्ना बच्चा, आती है माथे पर जिससे हमें नजर ना लगे, तो कि माँ बोलती है कि मेरे बच्चे को हर बुरी नजर से बचाना। मेरा धीट धिटौना रे, सोई मेरी छोना रे। चार सितारे जाग रहे हैं, जैसे ही रात होती है
तो आसमान में हमें चांद सितारे दिख बहुत सारे दिखते हैं, ऐसा लगता है उनकी सुबह हो गई और हमारे लिए रात हो गई। चांद सितारे जाग रहे हैं, नाच रही है चांदनिया। अब इधर चांदनिया बच्चों, अगर हम इस पिक्चर में देखे तो देखो चांद के आजू बाजू जो है चांदनिया है, चांद चांद का जो प्रकाश है, चांद की जो रोशनी है उसको चांदनिया बोल रहे, तो वो चांद को ऐसे घेर के रखी है जैसे वो उसके आजू बाजू नाच रही है। और फूल खिले हैं चांदी के, जो छोटे छोटे टिमटिमाते तारे हैं, ऐसा लग रहा है वो एक फूल है और वो टिमटिमा रहे हैं। फूली मेरी आंगनिया, मेरे आंगन में ऐसा लग रहा है चांद सितारे आ गए हैं। मेरा धी धिटौना रे, सोई मेरी छौना रे, मेरा सुख अनहोना रे। जब माँ अपने बच्चे से प्यार करती है उसका जो सुख होता है, जब हम हमें खुशी होती है तो हमारी माँ को भी उतनी ही खुशी होती है। तो माँ का खुशी जो माँ की खुशी जो होती है वो बहुत ही अद्भुत होती है। सोई मेरी छोना रे, गीत सुनाऊ सोए तू। माँ जो है बच्चे को सुलाने के लिए लोरी सुना रही है, गीत सुना रही है। तू सोए और जागू मैं। अब बच्चों देखो इधर अ लिखा है, इधर अ मतलब और होता है, लेकिन इसे कविता की धुन देने के लिए अ कहा गया है। तू सोए अ गाऊ मैं, मेरा धीट धिटौना रे, सोई मेरी चोना रे। जागे खेले रूठे तू। अब बच्चा जो है वो जागता है, खेलता है, कभी कभी मम्मी से गुस्सा हो जाता है तो मम्मी क्या करती है, प्यार से उसे अपने पास लेके प्यार करती है, उसे मनाती है, उसे खिलौने देती है। खिलौने की दुनिया की सैर करवाऊ मैं, सैर तुझे करवाऊ मैं, मेरी प्यारी सलोनी रे, सोई मेरी चोना रे। इधर सलोनी मतलब सुंदर, मेरी जो नन्नी बच्ची है वो बहुत ही सुंदर है, ठीक है बच्चे। और छोना मतलब क्या होता है, नन्ना बच्चा, सलोनी मतलब सुंदर। बच्चों आपको मेरी आवाज आ रही है? बच्चों आपको मेरी आवाज आ रही है? बच्चों आपको मेरी आवाज आ रही है? यस यू आर ऑडिबल टीचर, कंटिन्यू। ओके ओके सर, थैंक यू। तो पहले परिच्छेद में हमने देखा कि माँ क्या बोल रही है कि सोने का झूला है और उसकी जो डोरी है वो रेशम की है, और मेरी बेटी जो है वो सपनों की दुनिया में खोई है और उसको परिया जो है लोरी सुना रही है। इधर हमने कौन कौन से शब्दार्थ देखे है, पहले तो छोना, छोना मतलब नन्हा बच्चा। धीट, धीट मतलब दृष्टि, नजर। डिटोना, डिटोना मतलब काली बिंदी जो माँ माथे पे लगाती है कि हमारे बच्चे को नजर ना लगे उसके लिए। फिर लोरी, लोरी तो आप सबको पता है, जो रात में माँ गाना गाती है या माँ बच्चे को सुलाने के लिए जो गाना गाती है उसे हम लोरी कहते हैं। फिर चांदनिया, चांदनिया मतलब जो चांद के आजू बाजू प्रकाश फैला रहता है, चांद का प्रकाश फैला रहता है उसे हम चांदनिया कहते हैं। फूली मेरी आंगनिया, इधर आंगनिया मतलब जो घर के, हम गांव में जाते हैं तो देखो घर के हमारे बीच में एक खुली सी जगह होती है, उधर ऐसा लगता है कि आसमान और आकाश जो है वो रात के समय पूरे मेरे आंगन में उन लोग ने इतना अच्छा सजा दिया है रात को कि बहुत ही सुंदर वातावरण लगता है, ऐसा लगता है चांद सितारे मेरे आंगन में उतर गए हैं। फिर इधर मेरा सुख अनहोना रे, इधर अनहोना मतलब अद्भुत, अनोखा। सोई मेरी छोना रे, गीत सुनाऊ सोए तू। तू सोए और गाऊ मैं, मेरा धीर धिटौना रे, सोई मेरी छोना रे। अभी बच्चों हमने जो शब्दार्थ देखे हैं एक बार उसका रिकैप करते हैं। बच्चों आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? एक जन अपना माइक अनम्यूट करके बोलिए,
माइक ऑन करके बोलिए, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है बच्चों? सर मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस मिस। ओके ओके थैंक यू। अभी छोना, छोना मतलब क्या होता है, कोई मुझे बताएगा छोना मतलब क्या है? बच्चों हमने कविता के द्वारा कुछ शब्दार्थ देखे हैं, तो छोना मतलब क्या होता है? नन्ना बच्चा। वेरी गुड, छोना मतलब नन्ना सा बच्चा, छोटा सा बच्चा। नीट नन्ना मतलब बच्चा मीन्स। ओके वेरी गुड। दृष्टि मतलब दृष्टि, नजर, मेरे बच्चों को बुरी नजर से बचाने के लिए। दीज चांदनिया मतलब चंद्रमा का प्रकाश। वेरी गुड, चंद्रमा का प्रकाश, चांदनिया मतलब चंद्रमा का प्रकाश। अभी आप लोग जो स्क्रीन पे देख के बता रहे हैं, अगर मैं आपसे थोड़ी देर बाद पूछूं तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है? अनहोना मतलब अद्भुत, अनोखा, अलग। जो माँ बच्चे का प्रेम होता है वो अलग होता है। लोरी, लोरी मतलब, अब मुझे कोई और चाहिए, कोई और जवाब। बच्चों को सुलाने के लिए गाए जाने वाला गीत। वेरी गुड, लोरी मतलब बच्चों को सुलाने के लिए जो गीत गाया जाता है उसे लोरी बोलते हैं। आंगनिया, छोटा सा आंगन। हाँ गाँव का आंगन। सलोनी मतलब सुंदर। अच्छा बच्चों अभी आप मुझे बताओ, आपको ऐसा कुछ है जो पाठ में नहीं समझ में आया, जो कविता में नहीं समझ में आया है? ऐसा कोई शब्द या ऐसी कोई पंक्ति जो आपको इस कविता में नहीं समझ आई है? बताओ बच्चों, कुछ डाउट है आपको? सब समझ में आया? यस मिस। यस टीचर। तो मैं आपको सवाल पूछूं? ओके टीचर। देखते हैं कितने जन को कविता समझ में आई है। तो पहले परिच्छेद से शुरू करते हैं। छोटा सा बच्चा या नन्हा बच्चा। ओके वेरी गुड। लोरी मतलब, लोरी बच्चों को सुनाने, लोरी मतलब बच्चों को सुनाने के लिए बाल गीत। अरे वाह वेरी गुड, लोरी मतलब जो बच्चों को सुनाए जाने वाला गीत। बीट मतलब बीट मतलब बीट। मेरा बीट बिटोना रे। बीट मतलब किसी ने बोला इसके पहले? बीट यस नहीं, बीट मतलब मिस, बीट मतलब दृष्टि। वेरी गुड, बीट मतलब दृष्टि। और डिटोना मतलब छोटा सा लोग टीका लगाते हैं, काला टीका सर पे कहीं पे बच्चों को। वेरी गुड वेरी गुड, डिटोना मतलब जो काला टीका लगाते हैं बच्चों को। वेरी गुड। चांदनिया मतलब चंद्रमा का प्रकाश। वेरी गुड। आंगनिया मतलब छोटा सा आंगन। अच्छा वेरी गुड, छोटा सा आंगन। फिर अनहोना मतलब अद्भुत। वेरी गुड। सलोनी मतलब सुंदर। वेरी गुड। चलो मैं ये आशा करती हूँ कि शब्दार्थ मेरे सारे बच्चों को समझ में आ गया है, कविता भी आप लोग को सबको समझ में आई है। अब चलिए हम प्रश्न उत्तर के पास चलते हैं, देखते हैं कितने जन को राइट आंसर मिलते हैं, सही जवाब कितने जन को मिलते हैं।
झूले की डोर किसकी बनी है? झूले की जो डोर है वो किसकी बनी है? रेशम की बनी है। रेशम, रेशम की बनी है, सोने की बनी है, चांदी की बनी है? रेशम, रेशम की। रेशम की, वेरी गुड। तो हमारा आंसर जो है रेशम की सही है। जो झूले की डोर है वो रेशम की बनी हुई है। दूसरा, चांद सितारे जाग रहे हैं डैश रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, रही है चांदनिया। नाच नाच रही है, नाच रही है, है चांदनिया। वेरी गुड, वेरी गुड। नाच रही है चांदनिया, चांदनिया। किसके फूल खिले हैं? सोने के फूल खिले हैं, रेशम के फूल खिले हैं, चांदी के फूल खिले हैं कि डोरी के फूल खिले हैं? सोने के फूल, सोने के फूल खिले हैं। सोने के। ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, क्या टिमटिमाते हैं? चांदी के जो आसमान में क्या टिमटिमाते हैं वो किस रंग के होते हैं? चांदी के। चांदी के। वेरी गुड। सोने का जो है वो झूला है, रेशम की डोर है, लेकिन आसमान में जो है वो चांदी के तारे टिमटिमा रहे हैं, तो चांदी के फूल खिले हैं। वेरी गुड। फिर सोई मेरी छोना रे के काव्य कौन है? कौन है? डॉक्टर श्री प्रसाद। वेरी गुड, श्री प्रसाद। वेरी गुड, वेरी गुड। डॉक्टर श्री प्रसाद है। क्या बच्चों, मैं अपनी तरफ से मैं ये आशा करती हूँ कि आप सबको कविता पूरी तरह से समझ में आई है। हमने उसके शब्दार्थ देखे और हमने प्रश्न उत्तर भी देखे। अब बच्चों मुझे ये बताइए कि आपको इसमें कोई मतलब डाउट है? नो टीचर। कविता में कोई डाउट है? प्रश्न उत्तर? नो टीचर, मुझे नहीं। कोई डाउट नहीं है? नो टीचर। ओके, तो पूरी तरह से समझ में आई कविता आप सबको? यस टीचर। यस टीचर। कविता कैसी लगी आप लोग को? अच्छी है टीचर, अच्छी है। अच्छी लगी। अच्छा, अच्छी लगी ना? थैंक यू, थैंक यू बच्चों। अभी आपका गृह कार्य है कि आपको ये कविता सोई मेरी चौना रे आपकी बुक में एकदम सुंदर अक्षर में दो बार लिखना है, और जो शब्दार्थ मैंने आपको बताए हैं वो आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये जो शब्द है वो हमेशा हमारे रोजमर्रा के जीवन में हमें उपयोग होते हैं, तो इसलिए हमें जो शब्दार्थ है वो याद रखना है। आपको चाहिए तो आप अपनी बुक में लिख के रखिए, टेक्स्ट बुक में, जहाँ पे आपके पाठ्य पुस्तक में जो लाइन है उस पे ऊपर लिख के रखिए, और कविता दो बार अपनी बुक में लिख के याद करिए, ठीक है? ओके मिस। चलिए बच्चों, धन्यवाद। यस, सर उठाओ उसको। अरे उठ उठ, चल फटाफट उठ। हो गया बेटा आपका? हो गया लिख के आपका शब्दार्थ लिख के हो गए बच्चा आपका?
टीचर मेरा हो गया, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके ओके, शब्दात का भी ले लिया और जो टू क्वेश्चन आंसर थे उसका भी ले लिया। ओके अच्छा अच्छा वेरी गुड। हो गया बेटा आपका जो लिख रहे थे हो गया? हेलो मिस। हाँ बोलो मिस, मैंने